हेलो गाइस, मिस्टर एंड मिसेस टेकी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। बेसिकली मैंने एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप देख ही सकते हो मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा है। और रिसेंटली, जैसे अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि जो भी रिसेंट टॉपिक होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, उसके ऊपर मैं लिखता रहता हूँ। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो जो गूगल बर्ड जो इंडिया में आने वाला है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। एंड उसके बाद भी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो होता है, जैसे रियलमी बड्स Air 5 Pro आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए भी मैंने डिटेल में एक ब्लॉग लिख के रखा है। थोड़ा सा मैं ओपन भी कर देता हूँ आपके लिए, तो आप जैसे देख सकते हो पूरा डिटेल में उसका जो भी फीचर आने वाला है, या फिर जो भी परफॉर्मेंस एंड उसका यूज कैसे होने वाला है एंड ऑल, सब कुछ इसमें दिखेगा। लेकिन आज हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं अगर नीचे जाऊँ तो आप देख सकते हो iOS 16.5 का भी मैंने ब्लॉग एक ऑलरेडी लिख दिया है। तो जो भी, अगर आपको आप मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे तो लेटेस्ट जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो सिमिलरली मैंने ये छोटा सा एक प्रोसेस स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर एक कोशिश करूंगा कि ब्लॉग भी लिखने के लिए। तो इस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था। फिलहाल आज के जो वीडियो टॉपिक है उसमें वापस आते हैं। तो वीडियो का टॉपिक आज है, एक आपने शायद सुना होगा, रिसेंटली चाइनीज एक ऐप है, चाइनीज सॉरी एक चाइनीज मैन है जो ChatGPT में फेक एक ट्रेन क्रैश का न्यूज फैलाने के लिए उसमें वो अरेस्ट हो चुका था। तो अभी ChatGPT जैसे बहुत ही ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, और उसमें यूज करने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है, जिसमें से एक मैंने टॉपिक ये वाला चूज किया क्योंकि ये वाला बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। तो इसमें एक्चुअल क्या हुआ था, इस बारे में मैं ये ब्लॉग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल ये वाला जो है ऐप में, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है या फिर क्या हुआ था, चाइनीज मैन एक्चुअली क्या किए थे। तो आप जैसे देख सकते हो ब्लॉग में यहाँ पे क्या है, ये चाइना हैज बीन बेसिकली क्या है, एक चाइनीज सो बेसिकली ये फ्रॉड एक न्यूज न्यूज के लिए बेसिकली ChatGPT को बोल रहा था कि एक न्यूज फेक ट्रेन क्रैश का न्यूज जनरेट करो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसका जो नाम है, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ओके, ए मैन इन चाइना हैज बीन अरेस्टेड फॉर फैब्रिकेटिंग ए स्टोरी अबाउट अ ट्रेन एक्सीडेंट एंड डिसमेंटिंग इट ऑनलाइन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। बेसिकली ChatGPT यूज करके, जैसे मैंने बोला, ChatGPT यूज करके वो एक फेक ट्रेन क्रैश का, ट्रेन एक्सीडेंट का न्यूज बनाने के लिए वो एक न्यूज स्टार्ट किए थे। उसका जो नाम है, वो जो प्लेस है, बेसिकली प्लेस का नाम है गांसू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है आपको, मैं ये जो ब्लॉग का है, ब्लॉग डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ब्लॉग का जो लिंक है, ठीक है। यहाँ पे आप उसके बाद अगर देखोगे थोड़ा न्यूज में आते हैं, तो बेसिकली सस्पेक्ट सस्पेक्ट जो है उसका नाम है होंग, बेसिकली ये टाइटल है। आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो ये वाला जो उसका टाइटल है, हैज बीन चार्ज्ड, उसको चार्ज किया गया है विथ पिकिंग क्वारल एंड प्रोवोकिंग ट्रैवल। सो बेसिकली जैसे मैंने बोला, फेक ट्रेन कैश का उसने ऐड किया था, तो इसलिए उसको ये वाला चार्ज में उसको जेल, बेसिकली जेल भेजा गया है। हाउएवर इफ ऑफेंस इज कंसिडर पर्टिकुलरली सीवियर, सीवियर केस उसको बोला जा रहा है, एंड ऑफेंडर्स कैन बी इम्प्रिजन फॉर 10 ईयर्स। मतलब ये चाइनीज, एज पर चाइनीज लॉ ये बोलना चाहता है कि 10 साल के लिए भी अंदर किया जा सकता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कितना सीवियर होगा एंड अगर नहीं होगा। बट यहाँ पे चाइनीज अथॉरिटी जो इंटरनेट बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ गवर्न यूज ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद, जैसे आपको अगर मालूम होगा तो ये ऑलरेडी यूके में ChatGPT को बैन करने के लिए बहुत सारे स्कूल में ऑलरेडी बैन हो चुका है, यूएसए में भी सेम है। तो सिमिलरली चाइना भी सोच रहा है कि ये जो डीप फेक टाइप टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे ऐसे हो सकता है कुछ मिसयूज हो सकता है, तो उसको कैसे बंद किया जाए, तो उसके ऊपर वो लोग रिस्ट्रिक्शन कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकेंड बात है चाइनीज, आपको मालूम होगा चाइना का जो इंटरनेट है वहाँ पे नॉर्मली यूज नहीं करना देता ये सब IP एड्रेस, बेसिकली ChatGPT
यूज बैंड है वहां पे, बट स्टिल वो यूज कैसे कर सकता है वीपीएन। जैसे आपको मालूम होगा वीपीएन अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो कोई भी कंट्रीज का आप नेटवर्क ले सकते हो, तो वीपीएन यूज करके बेसिकली ये जो इसका नाम क्या है होम बेसिकली ये वाला न्यूज के लिए चैट जीपीटी यूज कर रहा था। सो दैट वाज द टोटल समरी ऑफ दिस केस। और मैं इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऐसे ही न्यू ट्रेंडिंग जो भी टॉपिक है इसके लिए मेरा वीडियो देखो, एंड वीडियो के साथ साथ जैसे मैंने ब्लॉग जैसे बोला आपको ब्लॉग भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट जैसे ये वाला भी आप ई बाइक के लिए दिल्ली में आपको मालूम होगा दिल्ली में ये परमिट मिल गया है ओनली ई बाइक के लिए, तो एक स्कीम स्टार्ट होने वाला है, तो ये सब स्कीम के बारे में बहुत ही सारा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। वीडियो प्लस इसमें इसके अंदर हमें कभी कभी वीडियो ट्रेलर भी होगा तो आप देख सकते हो, एंड ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कोशिश करो जितना हो सके इंफॉर्मेटिव वीडियो में इंफॉर्मेटिव ब्लॉग देखने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ब्लॉग है पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर होने वाला है, तो आपको इंफॉर्मेटिव भी लगेगा, एंड आप जैसे मेरा वीडियो होता है सिमिलरली आपको ये हेल्प भी करेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो एंड कमेंट करो, कमेंट करके प्लीज बोलो कि ये मेरा जो न्यू ब्लॉग है ये कैसा है, इसमें कंटेंट अपग्रेड होना चाहिए कैसा, अगर कुछ अपग्रेडेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बोलो। और जैसे मैंने बोला इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो ये यूज करके आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।